सेलिब्रेशन हो रहा है आज किस बात का? हमारे ढोलक ना, हम जो ढोलक लाए उसमें नाचने का सेलिब्रेशन। और ये है हमारे शुभम दादा पलक जीते रहो। पहला पहाड़ी में क्या कहते हैं, बच रहो है, बाची रहो बाची। और फिर से आ गई है मूंगफली। और यहाँ पे जो है मम्मी आ गई है, और मम्मी लेके आई थी पेस्ट्री और मूंगफली लेके आई थी, तो वही हम धूप में बैठ के वही खा रहे थे। और ये जो बैठे हैं इसका नाम शुभम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका विद हैरी, और मैं हूँ प्रियंका। तो आज मम्मी जी आई हैं घर से, और मम्मी को पता नहीं है कि मैं वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो देखेंगे कि उन्हें कैसा लगता है मेरा वीडियो बनाना, उन्हें पसंद आता है या नहीं, और वो कैसे रिएक्ट करती हैं वो भी देखेंगे। तो आने के बाद अभी दीदी के वहाँ गई है, क्योंकि उन्हें कुछ काम था अर्जेंट, तो आने के बाद वो दीदी के वहाँ गई है। और अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं आज बनाऊँगी हरी सब्ज़ी, जो कि मैंने खेतों से ला के मैंने तोड़ के और वॉश करके रखी हुई है बाहर, ताकि उसका जितना भी पानी रहता है सब जो है निकल जाए। पानी निकल जाएगा अच्छे से तो फिर कट करने में भी आसानी होती है। बाद मैंने उसे बाहर ही रख दिया ताकि उसका जितना पानी है सब निकल जाए। फिर मैं उसको लेके आऊँगी और चलते हैं उसे अंदर ले आते हैं, हो सकता है उसका पानी निकल गया हो, और फिर उसको कट भी करना है। तो दही भी आया है, और दीदी के वहाँ से मट्ठा भी आया है। ठंड के दिनों में भी दही और मट्ठा हमारे घर में तो चलता है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इसमें से इसमें खाली कर दूँगी। तो जो है मैंने बर्तन थोड़ा उसमें रख लिया है, और अभी भी थोड़ा बच रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, फ्रिज में पूरा नहीं रखती हूँ, जितना हमें आज शाम को चाहिए उतना मैं इसमें इस बाउल में रख देती हूँ, जितना हमें चाहिए, और बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। और यहाँ पे जो हमने चाय वाय पी थी, तो उसके बर्तन बचे हुए थे, मैं हाथों हाथों उसे भी धो लूँगी। और फिर जो है मैं सब्जी लेके और मम्मी के साथ बैठ के हमारी आपस की बातें भी चलेंगी, क्योंकि मम्मी काफ़ी दिन बाद आई हैं, तो हमारी खूब बातें चलती हैं। तो वही सब्जी काटते काटते मम्मी से बातें भी होती रहेंगी और काम भी होता रहेगा। शाम के लिए बनेगी सब्जी, तो बर्तन मैंने सब क्लीन कर दिए हैं। और और ये है मम्मी ये है मम्मी जो आज पहली बार कैमरे में आए हैं, तो मम्मी हेलो कर दो। हेलो। तो बैठो फिर मम्मी, यहाँ बैठो फिर यहाँ पे। तो मम्मी आपको कैसा लग रहा है वीडियो बनते हुए, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये लाई बात लाई तो कहा, किसकी लाई? बात लाई, बात लाई कौन है? बास की लाई, बास की नहीं, बात लाई, बात लाई कौन? ये देख पाऊँ से तो लाई तो खाई कर देना। लाई सही हो ना? मैं मिक्स करके बनाऊंगी, एक एक बाच की लाई है और एक बाच है, बास लाई को बास की नो बात खिलाई आप आज में नहीं देंगे दें दें। और हिंदी में पास खिलाई नहीं, हिंदी में कुछ और कहते हैं मम्मी इसको, कुछ तो कहते होंगे। और है एक कहते हैं, और है पालक, पालक अलग की सब्जी। पाई पाऊं ना तो पाई पाऊं छी आग भी बन जाए, पाई पाई डिश होता उसमें फिर पाप पाप नहीं चाहा था। अरे जो कोई पाप नहीं पाप तो आज की सब्जी है हमारी हरी सब्जी, जिसमें पालक लाई की सब्जी मिक्स करके बनाएंगे, और इसमें काटेंगे हरी मिर्च ना मम्मी, इसमें हरी मिर्च काटेंगे। वैसे इसमें मम्मी वो जो सूखी सूखी मिर्ची नहीं होती थी भून के, लाल मिर्ची, वो भी तो भून के आला रहता है। खाली कटक सूखी मिर्च भून में कटक खानी। हाँ और मम्मी को लगा दिया है मैंने काम पे, मम्मी के लिए मटन बैठे बैठे, और यहाँ पे हमारी हो रही है सब्जी।
में ज्यादा हो रहा ठंडा। हमने यहाँ ज्यादा हो रहा घर में मत चलते रहोगे अभी चलते रहो बैठे बैठे में देखा था लेने में भी बड़े अच्छे में आवाज थे कच्ची धारे को बोल जाने कोई नहीं और यहाँ पे जो है सब्जी वब्जी काटने के बाद मैं आ गई थी किचन में आटा मलने के लिए और सब्जी मैंने चढ़ा दी थी जो कि थोड़ी देर में बन के रेडी हो जाएगी। और वैसे आटा वाटा गूंथने के बाद मैं रोटी वोटी बनाना भी स्टार्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे हम बातें बातें करके जो है हम बातें भी कर रहे थे और मैं रोटियाँ भी बनाती जा रही थी। और जो है रोटी वोटी सब कुछ बनाने के बाद हमने टाइम पे खा भी लिया था। तो यहाँ पे बर्तन बचे हुए थे फिर से वही बर्तन बर्तन धोना जो भी मेरा रात का नाइट का रूटीन होता है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैं बर्तन बर्तन धोऊँगी और जो भी होती है सफाई वो सफाई में लग जाऊँगी। तो ये मैं फटाफट से जो है बर्तन बर्तन धोने के बाद सफाई वफाई करती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने वीडियो बहुत फास्ट कर दी थी तो मैं फटाफट से जो है बर्तन बस मेरे होने ही वाले हैं। फिर जब बर्तन हल्के से पानी वानी निकल जाता है इनमें से फिर मैं इन्हें इनकी जगह पे भी लगा लेती हूँ। और अगर वैसे तो मैं रख लेती हूँ कभी सुबह लगा लेती हूँ और अभी लगाना होता है तो फिर मुझे फिर से उन्हें कपड़े से जो है पोंछ के फिर से लगाना होता है। तो यहाँ पे जो मैं वही फटाफट से इनको हाथों हाथ लगा भी दूँगी। और जो है गैस की भी सफाई वफाई कर लेती हूँ मैं उसको भी जो है उसमें काफ़ी दाग वाग रह जाते हैं तो उनको भी अच्छे से वो कर लेती हूँ धो लेती हूँ। उससे भी अच्छे से मलने के बाद धोने के बाद जो है फिर कपड़ा पड़ा मार के फिर वो भी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस यही रहता है सफाई का जो भी रहे सुबह शाम यही रहता है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे
कर रही हूँ, सफाई जो भी मेरा बसता है, फिर झाड़ू वाड़ू लगाना, फिर मैं हल्का सा किचन में पोछा ओछा जो भी है, क्योंकि नीचे काफ़ी पानी पानी हो जाता है, बर्तन धोने में नीचे पानी आ ही जाता है, तो फिर मैं उसे जो है कपड़े से अच्छे से जो है पोछा मार लूँगी। और यही रात का जो मेरा रूटीन है यही है। पे जो है फाइनली मेरा ऊपर का जो काम है वो ख़त्म हुआ, अब इस टाइम नीचे का पोछा। और यहाँ पे जो है सभी जो है अंशु, हस्बैंड जी, हिमांशु, मम्मी, सभी जने एक साथ बैठ के कॉमेडी मूवी देखने में लग गए थे, तो इसीलिए इतना शोर हो रहा था पीछे। और जो है मेरा भी काम फाइनल हो जाता है, हल्का सा कूड़ा जो भी है मैं वैसे जाले से बाहर नहीं डालती हूँ, एक साइड में इकट्ठा करके जो है झाड़ू वाड़ू मार लूँगी। ये किचन जो है पूरा क्लीन हो चुका है, पोछा लग चुका है, और सुबह ना मॉर्निंग में काम करने में भी अच्छा लगता है, और किचन साफ़ हो तो काम में भी मन लगा रहता है। तो जो है मैं यहाँ से हल्का फुल्का जो भी रहता है ना कूड़ा, मैं इसे भी बाहर ले जाके कोने में इकट्ठा कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरा रात का काम ख़त्म होता है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होता सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं यहाँ पे वीडियो का एंड करना भी भूल गई थी। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन।